इंडिया के मशहूर शेफ कुणाल कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर तलाक ले ली है। जी हां, सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने उनके माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनसे अलग रह रही पत्नी की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने तलाक से इनकार करने वाले एक कुटुंब अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने कहा कि ये कानून की भलीभांति स्थापित कंडीशन है कि सार्वजनिक रूप से जीवन साथी के खिलाफ लापरवाही पूर्ण अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के समान है। जस्टिस सुरेश कुमात कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में हम पाते हैं कि प्रतिवादी यानी पत्नी का अपील करता यानी पति के प्रति आचरण ऐसा रहा है कि वो उसके प्रति गरिमा और सहानुभूति वाला नहीं था। उन्होंने कहा, अगर जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति इस तरह का स्वभाव है तो ये विवाह की मूल भावना का ही निरादर करती है और इस बात का कोई संभावित कारण नहीं है कि उनके एक साथ रहते हुए लंबे वक्त तक यातना सहने के लिए बाध्य क्यों होना चाहिए। आपको बता दें, कुणाल की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी और उनकी पत्नी ने 2012 में एक बेटे को जन्म दिया था। टेलीविजन शो मास्टर शेफ में जज कपूर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने कभी उनके माता पिता का सम्मान नहीं किया और उन्हें अपमानित भी किया। दूसरी तरफ पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का दावा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पति से जीवन साथी की तरह बात की और उनके प्रति वफादार थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी। आपको बता दें, ये दोनों मई 2015 से अलग रह रहे हैं और बेटा पत्नी की कस्टडी में है। पीठ ने कहा है कि अलग होने के बाद भी कपूर बेटे की शिक्षा और भलाई के साथ साथ घर के रखरखाव के लिए भी आर्थिक मदद देते रहे हैं। बेटे से मिलने के अनुरोध को पत्नी इसके बावजूद भी किसी न किसी बहाने से टालती रही हैं, साथ ही साथ भुगतान की मांग भी करती रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।